हरियाणा की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में छात्राओं को अपनी निजता के हनन का डर सता रहा है। एमडीयू हॉस्टल में रह रही लड़कियों का आरोप है कि एक ड्रोन बीते 20 दिनों से उनके हॉस्टल की वीडियोग्राफी कर रहा है। इसे लेकर छात्राएं यूनिवर्सिटी प्रशासन से कई मरतबा शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन गंभीरता दिखाने को राजी नहीं है। छात्राओं ने ड्रोन की वीडियोग्राफी तक की है। इस मुद्दे को लेकर देर रात छात्राएं वीसी रेजिडेंस के बाहर इकट्ठा हुईं, लेकिन एमडीयू प्रशासन का दावा है कि पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की जांच में कुछ भी नहीं पाया गया। सर, 20 दिन से यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में एक ड्रोन घूम रहे हैं और 20 दिन से ही लगातार लड़कियाँ कंप्लेन भी कर रही हैं, रिटर्न में भी वीसी तक जा चुकी है और पुलिस तक भी ये शिकायत जा चुकी है। लेकिन कल जो हुआ वो ये हुआ कि रात के 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक चीफ वार्डन और सीएसओ की प्रेजेंस में भी वहाँ ड्रोन घूमता रहा, लेकिन हमारी शिकायत को नज़रअंदाज करते हुए हमें सिर्फ बहकाया गया ये कह के कि ये एरोप्लेन। अलग अलग हॉस्टलों में अलग अलग जगह पे लड़कियों ने बाकायदा देखे हैं, लड़कियों के पास वीडियो भी हैं, फोटोज़ भी हैं ड्रोन की आते हुए की, और अधिकारियों को प्रशासन को लगभग 10 दिन से इस बात की खबर है। 3 दिन से तो प्रशासन ने खुद एसपी सर को लिखा हुआ है। सिक्योरिटी स्टाफ हमारा और पुलिस भी आ गई थी और वो सारे पीछे तक, बल्कि गर्ल्स हॉस्टल के पीछे तक, आगे पीछे सफेदे हैं और रेलवे लाइन तक भी गए देखने, लेकिन उनको ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। क्या तो वीडियो वायरल हुआ है? वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन वीडियो के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, वो भी इंक्वायरी का विषय है। छात्राओं का आरोप है कि एमडीयू प्रशासन ड्रोन के जरिए वीडियोग्राफी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उल्टा उनके खिलाफ ही केस दर्ज करवाने की धमकी दे रहा है, जबकि एमडीयू प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता हैं और उचित प्लेटफॉर्म पर मामला रखा जा रहा है। वहाँ पे हम लोगों ने बार बार ये बात की कि वीसी सर से हमें मिलना है, लेकिन हमें कोई सेटिस्फेक्ट्री आंसर नहीं मिला और ताले लगाए गए हर एक हॉस्टल पे लड़कियों को रोकने के लिए। और हम लोगों ने जब वो कोशिश की कि हम अंदर जाएंगे और लड़कियों को बुला के लेके आएंगे, तो हमें कहा गया कि तुम पे केस कर देंगे या फलाना दलाना जो धमकी दी। जब यहाँ पे पुलिस आई, जब पुलिस सामने आती है तो ड्रोन नहीं आता, जैसे ही पुलिस चली जाती है ड्रोन फिर आ जाता है। तो और डर का माहौल तो बिल्कुल बनता है, किसी लड़की की खिड़की के बाहर अगर कोई ड्रोन आता है तो वो चैन से सो थोड़ी ना पाता। मैं अंदर गया वीसी साहब के पास, उनको उठाया तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी तरफ से कन्वे कर दो, उनकी तबीयत थोड़ी ढीली थी, इसको तो लिख ही चुके हैं, इसको और हायर लेवल पे भी मैं इसको टेकअप करूँ। मतलब कहने का आप अलर्ट हो गए हैं? अलर्ट ही हैं, हम तो उस दिन से ही अलर्ट हैं, जिस दिन हमें पहली बार पता लगा हम उस दिन से अलर्ट हैं। सवाल इसलिए गंभीर होता जा रहा है कि 20 दिन से छात्राएं परेशान हैं, बार बार प्रशासन को आगाह कर रही हैं। ऐसे में अगर छात्राओं को अपनी निजता के हनन का डर सता रहा है तो प्रशासन को भी संजीदा होने की जरूरत है। रोहतक से राष्ट्राकिया, जी मीडिया।